नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिता लौट आई हूँ क्लासिकल एरा की एक अदाकारा की कहानी लेकर आपके अपने चैनल हिंदी रेडियो पर। आज हम उस हस्ती की कहानी बताएंगे जिसने 60 से लेकर 70 के जमाने तक बड़ी बड़ी फिल्मों में छोटे छोटे किरदार निभाए थे। असली खातिर तो ये बिटिया की करेंगी शादी के बाद, क्यों मौसी? चुप रहो मुनीम, तुमको बीच में बोलने के लिए किसने कहा? चूक हो गई। डॉक्टर साहब, अकेले जाते हुए शर्म आती हो तो अब्दुल मियां से कह दो चिड़िया उतारे। उनका छोटा किरदार देखकर धोखा मत खाना, ये वही कलाकार है जो 30 के जमाने में मशहूर हीरोइन हुआ करती थी। इस कहानी की जानकारी हमारे चैनल के दर्शक श्री राहुल कुमार और फिल्म इतिहासकार श्री रशीद अशरफ से उपलब्ध हुई है। जैसे कि हमारी समझ है, साइलेंट एरा के दौर में लीड एक्टर को मास्टर तो लीड एक्ट्रेस को मिस बोलते थे। जैसे कि मास्टर विठल, मास्टर विनायक, मास्टर निसार, मिस जुबैदा, मिस रूबी मायर्स, मिस गोहर मामाजी वाला, मिस फातिमा बेगम। अच्छी बात यह है कि इन कलाकारों की वीडियो हमने 2020 में ही बनाई है। हमारे चैनल के पुराने दर्शकों को पता ही होगा कि हमने लगभग सभी साइलेंट कलाकारों की वीडियोस बनाई हुई हैं। कुछ कलाकार रह चुके हैं, उनकी भी कहानी हम लेकर आते रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। सबसे पहले बता दूं कि जेबुनिसा उस दौर की सबसे कामयाब और सबसे अमीर हीरोइन हुआ करती थी। उनके पति की भी अपनी एक गजब कहानी है, वो भी खुद हीरो हुआ करते थे और तो और रोल्स रॉयस चलाने वाले पहले एक्टर भी वे खुद थे। परंतु किस्मत की मार ऐसी पड़ी कि वे सड़क पर आ गए। वे और कोई नहीं बल्कि मास्टर निसार थे। उन्होंने 4 शादियां की हुई थी, उनमें से एक थी जेबुनिसा। मास्टर निसार से शादी करके जेबुनिसा मुंबई आई और उस दौर की सबसे महंगी हीरोइन बन गई। मास्टर निसार के साथ उनका रिश्ता ज़्यादा समय तक टिका नहीं और वे अलग अलग रहने लगे। हम जल्द ही मास्टर निसार की कहानी लेकर आएंगे, लेकिन आज के वीडियो में चलिए जानते हैं जेबुनिसा के बारे में। जेबुनिसा का जन्म 1910 को पेशावर में हुआ था। 1922 के साल में मास्टर निसार से शादी करके वो मुंबई आईं और साइलेंट फिल्मों में काम करने लगीं। उनकी फिल्मोग्राफी में साइलेंट फिल्मों का जिक्र नहीं है, पर रशीद अशरफ इन फिल्म इतिहासकार का कहना है कि उन्होंने इंपीरियल फिल्म कंपनी के लिए लगभग 10 से 15 फिल्में की थी जो पूरी तरह से साइलेंट थी। उसके बाद जेबुनिसा हैदराबाद बस गईं। वहां से लौटने के बाद शारदा फिल्म कंपनी के अंतर्गत उन्होंने अपने पति संग और जयराज संग कुछ फिल्मों में बतौर हीरोइन काम किया। आपको ये भी बता दूं कि जेबुनिसा पहले छोटे छोटे किरदार निभाती थी, उसके बाद उन्हें एक्टिंग की बारीकियां समझ आईं तो वो लीड हीरोइन के रूप में चमकने लगी। उनकी अदाकारी देखकर लोग उनकी तुलना हॉलीवुड की महान अभिनेत्री ग्रेटा गार्बो से करने लगे थे। उनकी पहली बोलती फिल्म शकुंतला थी जिसमें उन्होंने मास्टर निसार के साथ काम किया था। फिर 1940 के बाद जेबुनिसा चरित्र किरदार करने लगी। आप उन्हें कमाल अमरोही की पाकिजा फिल्म में भी देख सकते हो। हेमा मालिनी और संजीव कुमार की फिल्म धूप छाव में उन्होंने कोठेवाली का किरदार निभाया था। दिलीप कुमार की राम और श्याम फिल्म में वो प्राण की माँ के किरदार में दिखती हैं। ऐसे लगभग 30 से 40 फिल्मों में उन्होंने अलग अलग प्रकार के किरदार निभाए थे। उनकी फिल्मोग्राफी धूप छाव तक है। उसके बाद जेबुनिसा कहाँ चली गई ये कोई नहीं जानता, पर इतना तो जरूर कहूंगी कि उनके पूर्व पति गरीबी का सामना कर रहे थे, तब जेबुनिसा ने उन्हें अपने यहाँ पनाह दी थी। जेबुनिसा का देहांत कब हुआ ये तो पता नहीं, पर अपने जीवन के आखिरी साल उन्होंने हैदराबाद में बिताए थे। वहाँ के एक सूफी संत अशरफ खान के साथ उनका करीबी रिश्ता था। अशरफ खान ने सन्यासी बनने से पहले खुद जेबुनिसा के साथ बतौर हीरो काम किया था। आगे चलकर अशरफ खान भी गुमनाम हुए और जेबुनिसा भी। साथ ही मास्टर निसार के साथ क्या क्या हुआ ये अगली वीडियो में पता चल ही जाएगा।